नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चलें राजस्थान सीधे सूरतगढ़, जहां पर कल 14 अक्टूबर 2022 को सूरतगढ़ का स्थापना दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। यह नेतृत्व करती हुई अधिवक्ता श्रीमती पूनम शर्मा द्वारा अथक प्रयास से यह जो है सूरतगढ़ का स्थापना दिवस मनाने का कार्य तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर 14 अक्टूबर 2022 को यानी कल या बड़े हर्षोल्लास के साथ पहली बार जो है सूरतगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि इतिहास में राजा महाराजाओं द्वारा या स्थापित किया गया सूरतगढ़ का नाम आज भी धरोहर के रूप में लिया जाता है। पहली बार राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित सूरतगढ़ का नाम भी आज तरोताजा है या स्वर्ण अक्षरों में देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार को पुराने से पुराने महल भवन संरक्षित करने चाहिए और सुरक्षा करते हुए उसकी विशेष ख्याल करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का जो इतिहास में पढ़ा करते थे आज वही हूबहू कहीं कहीं या प्राचीन महल और प्राचीन भवन आज भी देखने को मिल रही है। इसलिए महल भवन का राजा महाराजाओं का जो अनमोल धरोहर है इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो खंडहर हो रहे हैं, जो गिर रहे हैं, इसका रक्षा सुरक्षा करना हम सभी जो है सरकारों का कर्तव्य बनती है। राजा महाराजों द्वारा महल आज भी बहुत से बचे हुए हैं, बहुत से जो है खंडहर के रूप में देखा जा रहा है। पुरानी से पुरानी इमारतें बचाने की ज़रूरत है और हम सभी को जो भी हो अपने अपने अनुसार जो है दिवस मनाने की ज़रूरत है, ताकि पुरानों पूर्वजों का नाम हमेशा जीवित रहे और उसी जीविता के साथ साथ इतिहास में भी जीवित रहती है। सूरतगढ़ दिवस की स्थापना दिवस पर सूरतगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पहुँचे, जो कि 14 अक्टूबर 2022 को या बताया जा रहा है कि कई वर्षों के बाद यह प्रयास किया गया, आज जो है यह प्रयास सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। 250 साल पुराने या इतिहास का नया पन्ना फिर से दिवस के रूप में देखा जा रहा है और इसका निर्देशन सीधे कर रही है श्रीमती अधिवक्ता पूनम शर्मा जी द्वारा। पिछले कई वर्षों से यह प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रयास का क्षण बिल्कुल भी नज़दीक है। अब कल 14 अक्टूबर 2022 को यह सफलता मिलने का जो है पूर्ण रूप से देखा जा रहा है और इतिहास के पन्नों को फिर से जो है पलटी जा रही है। राजस्थान राज्य सरकार और भारत सरकार को हमेशा पुरानी इमारतों, पुरानी सांस्कृतिक रीति रिवाज को बचाने की ज़रूरत है। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।